हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी एंड प्रेस द बेल आइकॉन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑल बांग्ला टेक्नोलॉजी। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप सब मस्त होंगे। तो गाइस, आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ डेल का नया i5 लैपटॉप है, 11 जनरेशन का। और इसके लैपटॉप के अंदर जो है, मतलब पूरा रिव्यू करके आप लोगों को आज मैं दिखाने वाला हूँ। इसके अंदर रैम कैसे लगती है, इसके अंदर ग्राफिक्स कार्ड है, इसके अंदर SSD लगा हुआ है, आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। और इस रैम को भी मैं लगाऊंगी। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना, और मेरे चैनल पर बने रहना। और मेरे चैनल पर जो भी नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए नया टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस, आप लोग देखिए, मैं जो लैपटॉप है एकदम सील पैक लैपटॉप है, डेल का कोर i5 11 जनरेशन। और इसका कलर जो है सिल्वर कलर है। इस लैपटॉप में SSD लगा हुआ है, 256 GB का SSD लगा हुआ है, इसलिए इनबिल्ट SSD है। इसकी स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है। डिस्प्ले आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले 15.6 है और फुल HD डिस्प्ले है, देख सकते हैं दोस्तों। NVIDIA का ग्राफिक्स कार्ड है इसमें, कोर i5 11 जनरेशन। लैपटॉप देखने में बहुत ही खूबसूरत है, देखने में गेटअप बहुत ही अच्छा है इस लैपटॉप का। डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छा है, आप लोगों को सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना गाइस। तो चलिए, इस लैपटॉप से सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, पीछे जो स्क्रू है सब खोल लेना है। और इजी इसका स्क्रू खोलने में है, और इसका बैक कवर भी इजी है खोलने के लिए। तो गाइस, फटाफट इस लैपटॉप को हम खोल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं इसका अंदर क्या क्या है, और पूरा रिव्यू करके दिखाएंगे। SSD, इसका जो बैटरी है, इसका जो हार्ड डिस्क है, इसका जो इनबिल्ट ग्राफिक्स है, सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। और इसका इस लैपटॉप में जो बैटरी होता है, इस बैटरी 3 सेल का बैटरी होता है, और इसका बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छा होता है। मतलब आप लोगों को 5-6 घंटा आराम से इसका बैटरी बैकअप दे देगा। आप लोग अगर चार्ज में नहीं देंगे, फुल चार्ज करके आप लोग काम करेंगे, तो आपको बैटरी 5-6 घंटा बैकअप दे देगा। तो देख लीजिए दोस्तों, लैपटॉप को खोलना बहुत ही आसान है। पीछे से हल्का से उठाएंगे तो खुल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसका बैटरी जो 3 सेल का होता है। और SSD देखिए, साइड में सिल्वर कलर का SSD लगा हुआ है। और देख सकते हैं दोस्तों, रैम, ये जो रैम है, इस रैम को हम लोग लगाएंगे अच्छे से। 8 GB रैम है स्टार लाइट का, देख सकते हैं इसमें ऑलरेडी 8 GB रैम लगा हुआ है। और 8 GB लगाएंगे मतलब 16 GB रैम हो जाएगा इस लैपटॉप में। देख सकते हैं दोस्तों, कैसे आराम से फिट हो गया है रैम। तो बैटरी जो आप लोग दिख रहा है, बैटरी 3 सेल का बैटरी है, 5-6 घंटा बैकअप आराम से दे देती है। और दोस्तों, बैटरी के पास में है SSD, वो सिल्वर कलर का आप लोग जो देख सकते हैं, वो है SSD 256 GB का SSD है। बहुत ही फास्ट है ये जो SSD लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं SSD को देखने में कैसा है, छोटा सा। ये SSD NVMe M.2 SSD है, और इसका स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा है, बहुत फास्ट है ये SSD। और दोस्तों, हार्ड डिस्क को तो आप लोग देख सकते हैं, हार्ड डिस्क 1 TB का हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क नॉर्मली आप लोगों को जो क्या है, डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हार्ड डिस्क इस लैपटॉप में लगा हुआ है, और SSD ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। और ये दोनों स्लॉट देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला है रैम, 2 RAM लगा हुआ है, 8 GB 8 GB 16 GB टोटल रैम लगा हुआ है, देख सकते हैं दोस्तों रैम को आप लोग। और दोस्तों, रैम के साइड में ही है प्रोसेसर, आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसर हीट सिंक पेज के अंदर रहता है मदरबोर्ड के साथ। और A to Z आपको दिखा चुका हूँ अभी दोस्तों। अभी हम लोग क्या करेंगे, लैपटॉप को बैक कवर को हम लोग लगा देंगे, पहले जैसा कर देंगे स्क्रू टाइट देखे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे जो भी नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे बेल आइकन को दबा देना नेक्स्ट अपडेट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं स्क्रू जो होता है, वो सब स्क्रू एक ही जैसा है। आप लोगों को कोई भी स्क्रू मतलब इधर का वाला उधर जाए तो कोई बात नहीं है, सब एक ही स्क्रू है, आप आराम से लगा सकते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों। और मेरे चैनल पे जो भी नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
और दोस्तों इसके बाद आप लोगों को दिखाएंगे लैपटॉप को ऑन करके, हम लोगों ने जो रैम लगाया है एक्स्ट्रा 8GB रैम, उसको आप लोगों को दिखाएंगे लैपटॉप ऑन करके कि रैम शो हो रहा है, लैपटॉप में मैसेज आएगा एक, उसको आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम लोगों को नया लैपटॉप है इसलिए चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा। नया लैपटॉप में यही एक फैसिलिटी होता है कि आप लोग जब चार्जर नहीं कनेक्ट करेंगे तो लैपटॉप ऑन नहीं होगा, जैसे कि बैटरी डेड रहता है नया लैपटॉप में, हर नया लैपटॉप में बैटरी डेड होता है। आप लोग चाहे तो पावर स्विच को दबा के भी लैपटॉप नहीं ऑन होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, चार्जर हम अभी पावर केबल से कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद इसको बोर्ड में लगाएंगे, लगाने के बाद हम लोग ऑन करके आप लोगों को दिखाएंगे एक रैम जो होता है मेमोरी चेंज का ऑप्शन आएगा लैपटॉप के स्क्रीन पे, आप लोगों को अभी दिखाएंगे। लेकिन और एक बात है, इस लैपटॉप में बैकलाइट कीबोर्ड भी है, आप लोग देख सकते हैं कीबोर्ड में लाइट आता है, बैकलाइट कीबोर्ड कहती है इसको। तो चलिए दोस्तों, अभी आपको मैसेज दिखाते हैं क्या मैसेज आता है रैम चेंज करने के बाद। देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले में एक मैसेज आया है, इस मैसेज को आप लोगों को कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करने से हो जाएगा। देख सकते हो दोस्तों, रैम चेंज का बारे में बता रहा है कुछ, इस मैसेज को आप लोग कंटिन्यू कर दीजिएगा, कंटिन्यू कर देने से कर दीजिएगा और आपका लैपटॉप में जो रैम चेंज किया है वो आपका शो हो जाएगा। मतलब अभी आप लोगों का लैपटॉप में 16GB रैम आराम से शो हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, और वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।